हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचन में गेमर में। और थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस बात बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ अपकमिंग इंडियन बैटल रॉयल गेम्स की। और वैसे इस लिस्ट में मैंने जितने भी गेम्स ऐड किए हैं उनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी या दोस्ती ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं है कि किसी गेम कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सर किया हो, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो अपनी लिस्ट का सबसे पहला गेम आता है बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, बहुत जनों ने इसको खेला भी होगा, जिन्होंने नहीं खेला नाम भी नहीं सुना, मैं बता दूँ। और जिन्होंने खेला उनको भी बता दूँ, जो तुम लोगों ने खेला था इसका, ये एक्चुअली में इंडियन बैटल इंडिया का अपकमिंग गेम है, बैटल रॉयल गेम। इसका बीटा गेम प्ले जो है, मतलब बीटा गेम क्या बोल रहा हूँ, बीटा गेम का गेम वर्जन जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वो मल्टीप्लेयर सपोर्ट नहीं करता, सिंगल प्लेयर है वो, जिसमें मतलब बॉट से होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये उसका अपग्रेडेड वर्जन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये क्लाउड गेमिंग के थ्रू खेला है। जी हाँ, ये क्लाउड गेमिंग मतलब जिनके पास हाई एंड डिवाइस नहीं है वो भी खेल सकते हैं। और इसके ग्राफिक्स देख लो, तुमको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि ये मोबाइल पर आने वाला गेम है, लेकिन हाँ ये मोबाइल पर आने वाला गेम है। इसका एक क्लाउड गेमिंग क्या बोलते हो इवेंट हुआ था, क्लाउड गेमिंग इवेंट, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो वहाँ से कि कैसा एक गेम उसके उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं कि जैसे ये गेम जब आएगा तब मतलब मोबाइल पर भी होगा और क्लाउड गेमिंग, और क्लाउड गेमिंग की जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, वो सबके लिए फ्री होगी। ऐसा नहीं कि किसी के किसी को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, सभी के पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं। क्लाउड गेमिंग की एक शर्त है, आपके पास 20 MS स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और गेम वालों भैया ज़रा ये फिक्स कर लो, क्योंकि इसके अंदर ये भैया मस्त आराम से पेड़ के ऊपर जाके कैंप करके बैठ गए, इसको ज़रा फिक्स कर देना, वरना पेड़ भी हमको नहीं छोड़ने वाले, पेड़ को भी जलाना पड़ेगा, ऐसे समय आएगा फिर। मुझे देखो इस गेम से पर्सनली इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि इसके ग्राफिक्स को ज़्यादा ही आए, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे फ़ोन में चल पाएगा, मेरा फ़ोन फट जाएगा, लेकिन गेम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये मोबाइल के ग्राफिक्स है ही नहीं, ये पीसी के ग्राफिक्स है, और वो भी बैटल रॉयल, मतलब छोटा सा कोई मैप नहीं है कि हाँ छोटे से मैप में गेम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा मैप हो सकता है, बैटल रॉयल का मैप 1-2 किलोमीटर का होता है, कम से कम 2 किलोमीटर पकड़ लो, 2x2 किलोमीटर। तो सोचो ये गेम लोगों के मतलब प्लेयर्स के डिवाइस का क्या हाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेकार है, नहीं, बहुत अच्छा गेम है। उन्होंने लोगों को हाई ग्राफिक्स चाहिए थे, जिनको हाई ग्राफिक्स चाहिए थे वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमको बस छोटा मोटा गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी है। हम इतने भैया अमीर नहीं है कि 80-60 हज़ार के डिवाइस लेके उनमें ऐसे हाई एंड डिवाइस वाले गेम खेल सके, नहीं भैया, शायद मेरे डिवाइस में तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर उन लोगों ने ऑप्टिमाइज किया, कुछ किया ऐसा कि भैया ये मिनिमम 3GB रैम में बिना कोई इशू के चल पाया, तो भैया शायद मैं खेल सकता हूँ फिर। वैसे इसकी रिलीज डेट प्री रजिस्ट्रेशन अभी तक कुछ आया नहीं, अंडर डेवलपमेंट में ही है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस रिलीज डेट वगैरह, उस पर विश्वास मत रखना, ऑफिशियल जब कुछ बोलेंगे तब पता चल जाएगा। और अगर उनकी जानकारी चाहिए तो टीजे स्पार्क नाम के यूट्यूबर हैं, इस इवेंट में वो भी थे, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि कब आएगा कब नहीं। लेकिन फिलहाल की स्टेट में तो इस साल में तो ये आएगा ऐसे मेरे को नहीं लगता, इसके ग्राफिक्स को देखकर। नंबर 2 पर आता है स्कारफॉल 2.0, जो अपकमिंग बैटल रॉयल गेम है, जो प्री रजिस्ट्रेशन पर भी नहीं आया है, और इसका अभी तक सिर्फ एक ही काम चल रहा है, रिवील। हर वक्त सिर्फ रिवील की, मतलब कभी गन्स की स्किन दिखाएंगे, कभी क्रेट की प्रीमियम स्किन दिखाएंगे। भैया गेम प्ले कब दिखाओगे,
वैसे ये इसको देखकर तो मेरे को लग रहा है कि ये 2000 ना ही 2023 की एंडिंग में ना ही 2024 25 मेरे को तो लगता है ये 2030 में आएगा। मुझे नहीं लगता है ये अब तक के 2-3 साल में आएगा, क्योंकि इनका अभी तक सिर्फ एक 2-3 साल तक रिवील का ही खेल चलेगा, बाद में गेम प्ले ट्रेलर्स और फिर आखिर में कुछ प्री रजिस्ट्रेशन पर डाल के UGW वालों की तरह 1 साल तक खींच देंगे भैया गेम को। हो गया इनका गेम ऐसा ही, तो इस गेम से भी मेरे को ज़्यादा कुछ उम्मीद तो लग नहीं रही है, क्योंकि सिर्फ रिवील का ही खेल चल रहा है और इतने जिस ग्राफिक में ये क्लिप दिखाई जा रही है और जैसी दिखाई जा रही है ये कंप्यूटराइज इमेज है, ना कि गेम की कोई इमेज है ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कारफॉल वाले हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो, स्कारफॉल 2.2 लाने की बात करके हमको उल्लू बना रहे हो? लगता तो नहीं है भाई, शायद आ सकता है लेकिन कब आएगा कुछ कह नहीं सकते। बढ़ते हैं अपने अगले बैटल रॉयल गेम पर। हमारी लिस्ट का अगला गेम है UGW यानी कि अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स। इसका भी वही सीन चल रहा है, रिवील। भैया कब तक रिवील करते बैठोगे? ये गेम बाकी सभी गेम्स से एक चीज़ में आगे हैं और वो है जल्दबाजी में प्री रजिस्ट्रेशन पर गेम डालने में, और एक ही चीज़ में सभी गेम से पीछे और वो है डेवलपमेंट में। भाई कब तक गेम को खींचते बैठोगे? अब भैया ये बस रिवील ही करते बैठ गए, बस कभी गाड़ी दिखा रहे कभी ये दिखा रहे, वो भी सिनेमेटिक्स। भैया गेम का गेम प्ले कब दिखाओगे? एक कृपा करना, ये सिनेमेटिक ट्रेलर हमको ना दिखाना, हमको गेम प्ले ट्रेलर देंगे, हमको गेम प्ले मांगता है भाई। गेम प्ले से समझ में आता कि गेम कैसा होगा, वरना भैया दिखाएंगे हाई ग्राफिक्स और होगा लो ग्राफिक्स, ऐसा ना होना चाहिए। और वैसे उन्होंने न्यू ईयर में एक वीडियो डाली थी कि वो पहले तो गेम के जो है सारे के सारे मतलब क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट रिवील करेंगे, बाद में वो लोग इसका गेम प्ले ट्रेलर दिखाएंगे मतलब कम्युनिटी टेस्ट करेंगे, फिर उसका गेम प्ले ट्रेलर और बाकी का सब, फिर उसका कुछ और भी कुछ ऐसे करते बैठेंगे। मेरे हिसाब से तो भैया UGW इस साल तो नहीं आएगा। अगर आपको कहीं भी YouTube पर ऐसी वीडियो देखने को मिल रही है कि भैया इस तारीख को गेम रिलीज़ हो जाएगा, इस साल की इस तारीख को गेम रिलीज़ हो जाएगा, विश्वास मत रखना, मुझे तो नहीं लगता कि ये इस साल रिलीज़ होगा। ये तो या तो अगले साल आएगा या फिर अगले साल के अगस्त या फिर नवंबर को ही आएगा भैया, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो इससे भी कुछ अभी तक उम्मीद तो लग नहीं रही है कि भैया ये सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि लोग खुद इसको लात मार के भगा देंगे, क्योंकि लोगों की भी एक लिमिट होती है कि हाँ हम लोग अब भैया इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, अब इसके ऊपर मेरे को और कुछ नहीं बोलना है, इससे मैंने उम्मीदें छोड़ दी है, बाकी लोग छोड़ेंगे कि नहीं पता नहीं। एक लिमिट होती है कि भैया हम लोग इस लिमिट तक भैया हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन कितना करेंगे इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन होना चाहिए कि नहीं। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर। अपने लिस्ट का चौथा नंबर का गेम है वैक्स मोबाइल, और इससे तो भैया मेरे को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि भैया ये तो कुछ करेगा भाई, ये तो कुछ करेगा भाई अब गेमिंग इंडस्ट्री में, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसको डेवलपर से वैसे नाम भूल गया भैया कौन थे भैया, लेकिन गेम बहुत बढ़िया बनाया है, खेला नहीं है लेकिन उन्होंने गेम प्ले की क्लिप दिखाई है और उन्होंने एक अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो भी डाली कि कैसे उनको मतलब उन्होंने ये गेम बनाया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना कि उन्होंने किस मुसीबतों का सामना करके कैसे इस गेम को बनाया है, मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई है और कैसे बनाया हुआ है। तो यार इस गेम का सिस्टम ही कुछ अलग है, आप नॉर्मली कोई भी गेम खेलते हो, एपेक्स लेजेंड्स कह लो, सीओडी कह लो, पबजी कह लो या फिर फ्री फायर भी कह लो, प्लेन से नीचे उतरने का ही सिस्टम होता है हर गेम में, मैप में उतरने का एक ही सिस्टम और वो है प्लेन से, लेकिन इसका सिस्टम ही अलग है भाई।
वो क्या है मैं दिखाता हूँ। स्काई डाइविंग फ्रॉम द प्लेन थीम टू इंस्टेंट हैविंग अ फ्यू शिप्स each following a different route on the map. Teams will ride a ship randomly and players can eject out anytime to fly to the nearby location. वैसे अब क्या क्या ऐड किया है अभी तक इस गेम में क्या क्या है उससे भी रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो हैं उस वीडियो में बताई गई हैं, जाके देख लेना उस वीडियो को, तो उनको देख के मज़ा आ जाएगा भैया। एक्साइट मैं तो भैया एक्साइटेड हूँ वैक्स मोबाइल को खेलने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये कैसा गेम होगा कमेंट में लिखो। कमेंट करते नहीं हो यार, बस देखते हो निकल लेते हो भाई। लाइक मारो वीडियो पसंद आ रही है तो, और कमेंट भी करो मुझे पता तो चले कि कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है भैया कि कोई मुर्दे आके देख रहे हैं वीडियो। अरे कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, बुरा तो बुरा अच्छा तो अच्छा लिख डालो भाई कमेंट में। मुझे बस कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिखा हुआ चाहिए भाई। जो भी देख रहा है वीडियो कमेंट कर डालो भाई। और इसका कंसेप्ट भी अलग ही है, नॉर्मल बैटल रॉयल है ही नहीं इसमें। करेक्टर्स की कुछ एबिलिटी है जो आपको देख सकते हैं और इसका मिली कॉम्बैक्ट, वाह वाह क्या तारीफ करूँ भैया, ऐसा तो मैंने किसी गेम में देखा ही नहीं। बैटल रॉयल के तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब भैया तलवार से लेके कॉम्बैक्ट कॉम्बैक्ट होगा, वरना भैया हम तो पबजी में बस मुक्केबाजी करते बैठते हैं। और इसका मैप, हाँ इतना बड़ा मैप, पबजी का मैप का साइज तो सिर्फ 8x8 किलोमीटर का है, लेकिन इसका मैप 32 किलोमीटर का होगा। मतलब सोचो कितना बड़ा होगा ये, कुछ ज़्यादा ही साइज में थोड़ा सा प्ले स्टोर पर साइज में थोड़ा सा कमी रखना, वरना ज़्यादा लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और इस ये जो पानी देख रहे हो उसको और वो इम्प्रूव करने वाले हैं, मुझे तो नहीं लगता इसको और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, न्यू स्टेट के जितना ही लग रहा है वो पानी। उन्होंने उस वीडियो में इसके प्री रजिस्ट्रेशन डेट और रिलीज डेट के बारे में भी बताया है कि वो इस साल के सेकंड या थर्ड क्वार्टर में जो है गेम की प्री रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे और गेम के और इस साल के फोर्थ क्वार्टर में जो है गेम को रिलीज़ कर देंगे। मतलब इसको भी अगले साल में पकड़ लो, जनवरी फरवरी में पकड़ सकते हो इसको, शायद जनवरी में आएगा या फिर दिसंबर में ही आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन होगा बड़ा धमाकेदार। मतलब भैया इसको इसका कंसेप्ट ही अलग है, अब कोई बोलेगा ही नहीं ये पबजी का कॉपी है, वरना हर कोई यही बोलता फिरेगा कि भैया ये पबजी का कॉपी है, ये पबजी का कॉपी है। ये सोच छोड़ दो कि भैया ये गेम इसके जैसा होगा, हर गेम अपने हिसाब से थोड़ा अलग अलग होता है, ये भी थोड़ा सा वैसा ही है। और अपने लिस्ट का सबसे आखिरी गेम जिसका नाम है इंडस बैटल रॉयल। और ये गेम भैया मतलब ऐसे ही कभी कभार गूगल खोल लिया, उसमें यही बात नज़र दिख रही है पबजी को टक्कर देने के लिए आ रहा है इंडिया का इंडस बैटल रॉयल गेम। भैया क्या है भैया, देखो ये ज़माना पबजी मोबाइल सीओडी इन जैसे गेम्स का नहीं है, इन जैसे गेम्स का ज़माना गया, अब नए गेम्स का ज़माना है। जैसे कि ये गेम आपको बहुत सारे लोग जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा उनको ये ट्रेलर देख के पक्का यही लग रहा होगा कि ट्रेलर में ऐसा दिखाएंगे और होगा ऐसा गेम फालतू, ऐसा ही लग रहा होगा। तो मैं उन सभी लोगों के लिए गेम जब अंडर डेवलपमेंट में था उसकी एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। देख लिया कैसा लगा भैया गेम, अब बोलोगे कि ये दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, ऐसा नहीं है भैया, ये उल्लू बनाने वालों में से नहीं है। और जिसका प्रूफ मैंने पहले ही दे दिया है, और जो डिस्कॉर्ड पर इन्होंने मतलब जिन बंदों ने इंडस को डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन करके रखा था, वो डिस्कॉर्ड सर्वर इंडस का ज्वाइन करके रखा था उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने ये नाम भी नहीं सुना उनको बता दूँ कि भैया इसके ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एपेक्स लेजेंड्स की जेरोक्स कॉपी है, बिल्कुल नहीं। इसके जो करेक्टर्स है वो सिर्फ दिखने में अलग है, इनके अंदर कोई एबिलिटी वेबिलिटी कुछ नहीं मिलने वाली तुम लोगों को। और
इसके अंदर मतलब इन्होंने एक छोटा सा झूठ बोला है भैया, छोटा सा धोखा दिया है। गेम के अंदर होने चाहिए थे करेक्टर 7, दिखाए हैं 4, मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं 4, ट्रेलर में हैं 6। ये कौन सा हिसाब हुआ भाई? इस गेम के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ और ट्रेलर के एंड में आपको ऐसे नीचे के 6 दिख ही रहे होंगे। तो अपना सबसे पहला करेक्टर है एडम, जो है अपना सबसे पहला करेक्टर। अगला मिथवाकर है सरताज, उसके बाद है आद्या, और आखिर में जो इस ट्रेलर में इंट्रोड्यूस किया है बिग गज, और ये अगला मिथवाकर नल। गेम की सबसे आखिरी मिथवाकर वॉइड। इसके बाकी के जो करेक्टर्स हैं वो भी एक्चुअली में इसके अंदर ही हैं। इसके जो इस ट्रेलर का जो लास्ट सीन है, अगर उसको स्लो मोशन में देखोगे तो उसमें सारे के सारे करेक्टर दिख जाएगा, लेकिन एक के सिवाय, और वो है मोरनी। वेयर्स मोरनी भाई? मोरनी नाम का एक करेक्टर मतलब मिथवाकर इसके अंदर आने वाला था, वो छोड़ के वॉइड और नल, ये दोनों मिथवाकर्स को डाल दिया। भैया मोरनी किधर गई? मोरनी का करेक्टर कहाँ पे गया भाई? शायद गेम रिलीज होने के बाद आ जाएगा, और उन्होंने कुछ प्री रजिस्ट्रेशन के अवार्ड भी रखे हैं, मतलब रिवॉर्ड रखे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। उनकी गन्स का ये एक स्क्रीनशॉट कि कैसी होंगी गन्स। वैसे 5 जनवरी 2023 को इन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो डिस्कॉर्ड सर्वर पर कुछ ड्रॉप डालने वाले हैं, आके देख लो। वो ड्रॉप जिन्होंने देखा उनको शायद पता होगा। अब वो जो चीज़ है वो उन्होंने कैंसिल करी है या फिर वो गेम में लेकर आएंगे, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने एक्चुअली में एक कंसेप्ट आर्ट दिखाया था, वो कौन सा कंसेप्ट आर्ट है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये बस एक कंसेप्ट आर्ट है एक व्हीकल का, और ये उन्होंने 5 जनवरी को, पता नहीं एक्चुअली में ये एक व्लॉग था, उस व्लॉग के 2.40 सेकंड्स के टाइम पे उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी। उस व्लॉग की लिंक शायद मेरे पास है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। व्लॉग बड़ा कमाल का व्लॉग बनाया उन लोगों ने, लेकिन पता नहीं वो व्लॉग मेन चैनल पे दिखाने के बजाय किसी और ही के चैनल पर दिखा दिया, पता नहीं क्यों। और उसकी लिंक उसी मतलब इंडस के ही सर्वर डिस्कॉर्ड सर्वर पर लिंक थी, और उन्होंने ही दी थी वो लिंक। 26 जनवरी को गेम के प्री रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे, और मैंने कहीं से सुना है कि उन्होंने डिस्कॉर्ड सर्वर पर बोला था कि जनवरी फरवरी मार्च तक वो गेम को प्री रजिस्ट्रेशन पर लाने की कोशिश करेंगे, और उसके 3 महीने बाद वो गेम को रिलीज करने की भी कोशिश करेंगे। मतलब जनवरी को तो उन लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन पर डाल दिया, अब शायद मई महीने को जो है मई या जून कह सकते हो गेम को रिलीज करेंगे। मैं तो भैया इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन सा गेम जो है, मतलब पबजी को टक्कर देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पबजी के जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, उनको पबजी का प्लेयर बेस को अपना प्लेयर बेस बनाएगा, ऐसा कौन सा गेम है इस लिस्ट का कमेंट में बताओ। और गेम को कंपेयर करना छोड़ दो, ये एपेक्स की तरह नहीं, एपेक्स नहीं है ही नहीं। एपेक्स में करेक्टर के पास एबिलिटी होती है, इसके पास है ही नहीं। मैप भी अलग है, गन्स भी अलग है, किस एंगल से तुमको लग रहा है। बस आर्ट स्टाइल मैं भी मानता हूँ, बस थोड़ा बहुत दिखने में मतलब एनवायरनमेंट इसका एपेक्स की तरह है, लेकिन ये एपेक्स है नहीं, ये मुझे भी पता है। गन देख सकते हो, इसकी लॉबी कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें आपको सारे करेक्टर्स का नाम दिखाया जा रहा है, जैसे कि वॉइड भी दिख रहा है, नल भी दिख रहा है, लेकिन मोरनी कहाँ पे गई पता नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने गेमर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, उन्हीं के साथ कर लेना भैया शेयर। और आपको इस लिस्ट का कौन सा गेम ऐसा लगता है जो पबजी और फ्री फायर की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेगा, ना कि मतलब उसको टक्कर देगा, ठीक है ना।
टक्कर देने के बाद जरा बाद में करेंगे, पहले उसकी ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित कौन सा गेम ज़्यादा करेगा ये कमेंट में बताओ। और वीडियो मुझे कुछ नहीं मालूम, जो सब्सक्राइब का बटन है दबाते नहीं हो, उसका बटन दबा के लाल का जरा काला कर दो यार, उसका बटन को जरा दबा दो भाई, मुझ पे भी बटन दबाने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, दबाओ यार बटन। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।